दो साथ करिए सुख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन लाइन के ट्रैक नुमाइश की साइड पर, और मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं ये ब्रिज है नुमाइश का। अब इससे आगे काम तेज़ी के साथ जारी है, तो यहाँ क्या वर्किंग हुई है वो तमाम अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो कहीं नहीं जाइएगा और हमारे साथ रहें। ये जो आप सामने अंडर बाईपास देख रहे हैं ये नुमाइश चौरंगी का है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंडरपास है। यहाँ से ग्रीन लाइन का ट्रैक आगे की तरफ ले जाया जा रहा है और उस पर वर्किंग तेज़ी के साथ जारी है और मशीन आपको काम करती हुई वर्किंग करती हुई नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, और साइडों में इसकी जो बाउंड्री है उनको बनाया जा रहा है और यहाँ पर रोड का काम भी तेज़ी के साथ जारी है। ये आप देख सकते हैं शेटरिंग वगैरह लगी हुई है, इस पर आज मटेरियल डाला गया है। तो ये नुमाइश से इंशाल्लाह ताला चंद महीनों में आगे की तरफ इसका ट्रैक ग्रीन लाइन बस का जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि ये इंशाल्लाह ताला टावर तक जाए ताकि और कराची की आवाम को सहूलत मैसर हो। 10 तारीख से ग्रीन लाइन मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है, सुबह 8 से रात 10 बजे तक, और हर 2 से 3 मिनट में दोनों तरफ से जो है बसें आ रही हैं और जा रही हैं। और शाम के टाइम मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, अपडेट दूंगा कि शाम में काफ़ी रश होता है नुमाइश से जो बस चलती है सरजानी तक, उस पर काफ़ी रश होता है क्योंकि ऑफिसों का टाइम ऑफ होता है और लोग ज़्यादातर ग्रीन लाइन में सफ़र कर रहे हैं। ग्रीन लाइन में सफ़र करने वालों से जो मेरी बात हुई पर्सनली तौर पर, तो वही कह रहे हैं टिकट थोड़ा महंगा है। इसी तरह मुझे स्टूडेंट से भी बात करने का मौका मिला और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि स्टूडेंट कार्ड ऐसा बना दें कि हम लोगों को ये सस्ता किराया पड़े। 55 रुपये महंगा हो जाता है अगर किसी को सरजानी से या नॉर्थ कराची से इस तरफ आना हो नुमाइश चौरंगी तक, तो 55 रुपये स्टूडेंट के लिए महंगा है। लिहाजा इस पर भी सोचा जाए गवर्नमेंट के स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा पैकेज निकाले कि उनको ये ज़्यादा महंगा उनके ऊपर किराया ना पड़े। जिस तरह किसी ज़माने में हमारे वक्तों में ऐसा होता था कि स्टूडेंट कार्ड होता था और 30 पैसे 40 पैसे 1 रुपया इस हद तक सफ़र किया करते थे, तो इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर ग्रीन लाइन में भी कुछ ऐसा पैकेज निकाल दिया जाए स्टूडेंट के लिए और इसके अलावा जो माजूर हैं उनके लिए भी टिकट में कमी कर दी जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बहरहाल काफ़ी अरसों के बाद कराची को ट्रांसपोर्ट में एक अच्छी सहूलत मैसर आई है और इंशाअल्लाह ताला ये जब आगे की तरफ ट्रैक जाएगा तो काफ़ी हद तक कामयाब रहेगा। तो ये कि छोटी सी अपडेट देनी थी आपको कि नुमाइश, बहुत से व्यूवर से कहा था कि नुमाइश के बाद क्या वर्किंग है, तो ये वर्किंग है कि रोड बनाए जा रहे हैं, काम दोनों तरफ की दीवारों का बाउंड्रियों का तेज़ी के साथ जारी है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्दी आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, दुआओं में याद रखिएगा।